हेलो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो जन्माष्टमी आ रही है। पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं जन्माष्टमी पे आपको दिखाने जा रही हूँ तरह तरह की मुरलियाँ बनाने के तरीके। ये देखिए, आप मुरली कैसे बना सकते हैं, कंपटीशन कैसे जीत सकते हैं, कैसे अपनी मुरली को सबसे अलग बना सकते हैं। ये देखिए, एक रेडीमेड है, जैसी बन लग रही है आप ऐसी कलर कर दीजिए येलो। और कोई भी राखी अभी आपकी हाल ही में गई है तो ऐसी राखी पड़ी हो उसकी जगह मोर वाली राखी लगा के आप अपनी बांसुरी बना सकते हैं। दूसरी देखो, सादी सी राखी है। मैंने क्या किया, बच्चों के पास सामान जो हो बच्चों उसी से बनाओ, पर पार्टिसिपेट ज़रूर करो प्रतियोगिताओं में। स्कूल में जो प्रतियोगिता हो रही है, मोती होती है माला जो गले में पहनते हैं उसको लगा के आप ऐसे बना लीजिए बांसुरी। ये एक और है, ये भी आपके घर में ब्रॉज पड़े होते हैं, ब्रॉज से राखी बना लीजिए आप ये वाली। या फिर घर में ऐसी कोई आपकी फ्रॉक के पड़ी है उस फ्रॉक से अपनी ये झालर लगा के लेस लगा के बांसुरी पे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मोर पंख पड़े होते हैं, अक्सर मोर पंख गली में बिकने भी आ जाते हैं। तो ये देखिए, रिबन लगाया है ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का मुरली के ऊपर, और मोर टांग दिए हैं, आप ऐसे बना लीजिए। और एक ये ग्रीन कलर की है, इसमें येलो कलर के फ्लावर रेडीमेड लगा लीजिए, नहीं तो उस समय ताज़ा ताज़ा बना के डेकोरेट करके कंपटीशन जीत लीजिए। एक ये है देखिए, लेस लगा दी है उसके ऊपर, लेस बना के है। ये देखिए, फूल घर में पड़े होते हैं अक्सर, ऐसी लेस तो अक्सर घर में पड़ी होती है, आपकी फ्रॉकों में लगी होती है, मम्मी के सूट में लगी होती है। आप ऐसे काना की सुंदर बाल गोपाल की बांसुरी बनाइए। ये और भी सिंपल है, इसमें भी मोर देखिए, मोर चिपका रखा है पतली सी बांसुरी पे। ये देखिए, इसमें झालर लगा लीजिए, ये देखिए झालर लग गई है, कितनी सुंदर लग रही है। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी एक मोर लगा के मोती लगा दिए हैं तरह तरह के। ये अलग है देखो, ये आधी राखी हाथ की थी, रिबन लपेटा और राखी के साथ उसको डेकोरेट कर दिया। ये भी मोर है लेस लगा के, ये हाथ का बना हुआ फूल है, देखिए हाथ से बना दिया फूल, फूल पे पत्ती और उससे हमने ये राखी बना दी है। तो आप ये राखी बनाइए। एक ये देखिए, फ्लावर सूट का, सूट के फ्लावर लगे होते हैं उसी से बनाई है। फिर एक ये बना रखी है, बना रखी इसमें। तो आप इस तरह की राखियाँ बना के प्रतियोगिता जीत सकते हैं। जो सामान आपके पास रखा हो, जो आपके पास मिल पाए आसानी से, इस समय कोरोना के समय मुश्किल है, आप घर पे हैं क्या मिलेगा, आप उसी सामान का इस्तेमाल करें और सुंदर सी राखी बना के प्रतियोगिता जीतें। कुछ भी लगा सकते हैं बच्चों, ये तो घर पे आपने बना के प्रतियोगिता ऑनलाइन ही टीचर को शो करनी है, तो ऑनलाइन में तो सब कुछ चलता है। प्रतियोगिता में भाग जरूर लें और फर्स्ट आएँ, कौन कौन बच्चा फर्स्ट आया कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजें।